जन्मभूमि से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको बता देते हैं कि मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का अटका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट में हाई कमेटी का सुप्रीम कोर्ट ने जवाब जारी करके हाईकोर्ट से जवाब तलब का झटका यहाँ मस्जिद कमेटी को लगाए सुप्रीम कोर्ट से। मस्जिद कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो देखिए, जो आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है वही जारी रहेगा, वही अमल में लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था मुस्लिम पक्ष, तो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन आप कह सकते हैं अब इस खबर के सामने आने के बाद मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की 18 याचिका था मुस्लिम पक्ष ने। देखिए, जो अपडेट सामने आ रहा है, मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के। शंकरानंद जी, आवाज। वरुण सिन्हा सर हमारे साथ में। सर, आज जिस तरह से कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, राकेश विष्णु गुप्ता जी आपके साथ ही हैं, तो किस तरह से आज मामले में सुनवाई हुई और किन किन दलीलों को आज आप लोगों ने कोर्ट के सामने रखा? देखिए, आज जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का जो मामला था वो सूचीबद्ध था और ये आज की जो याचिका थी मुस्लिम पक्ष के द्वारा दायर किया गया था। जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हिंदू पक्षकारों ने एक आपत्ति उठाया माननीय न्यायालय के समक्ष कि ये सिंगल जज का फैसला है जिसका इंट्रा कोर्ट अपील होना चाहिए था सीपीसी के हिसाब से। इन्होंने वह नहीं करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है जो मेंटेनेबल नहीं है। तो हिंदू पक्षकार के इस दलील को प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। इस बात की इंट्रा कोर्ट अपील के रूप में सीपीसी के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो मुस्लिम पक्ष को कहा जा सकता है कि मुस्लिम पक्ष से याचिका दायर की गई थी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख वो मुकर्रर हो चुकी है। 9 इस मामले पर जो अगली सुनवाई होगी 4 नवंबर को होगी। अब देखना लाजमी होगा कि उस तारीख को कोर्ट के अंदर में किस तरह से तमाम दलीलों को सामने रखा जाएगा।